गिरिडीह के कल्याण डी से टावर चौक तक फोर लेन सड़क बन रही है। आपको बता दें कि 39 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी से निर्माण में की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, फोरलेन सड़क कल्याणी से टावर चौक तक बन रही है। 5.7 किलोमीटर की सड़क पर 39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल दोनों ओर नाली का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय जनता का आरोप है कि निर्माण में घटिया क्वालिटी के सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ड्रेनेज सिस्टम का कार्य जारी है, ऐसे में जो तय मानक है विभाग की ओर से, उसके साथ साथ निम्न स्तर का सरिया भी जो है यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर हम जब साइट पर पहुँचे या नाले निर्माण में ICL जो कि स्थानीय स्तर की कंपनी है, उस कंपनी का TMT सरिया नाले के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ गोवर्धन नामक एक और स्टील कंपनी है जिसके भी TMT सरिया को इस नाले के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। संवेदक लगा रहे हैं छड़, ना वो छड़ इस प्रकार है, समझ लीजिए कि जो मान्यता है कि आपको इस छड़ को लगाना है, इस छड़ को नहीं लगाना है, तो नीचे का जो जितना नाला है सब जगह ये लोकल आसपास से लेकर छड़ को लगा दे रहे हैं, वो ढक जाएगा और फिर सड़क खराब हो जाएगी। इस तरह गिरिडीह में ये बहुत तेजी से चलता है कि आपको लिखा गया कुछ, विभाग बोलेगा कुछ, लिखित है कुछ और छड़ दे दिया कुछ, तो पूरा सिस्टम गिरिडीह का बिगाड़ा जा रहा है और इस रोड में भी वही चीज हो रहा है। स्थानीय लोग निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। इस सड़क का निर्माण मनीषा कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही। हमने जब घटिया गुणवत्ता की शिकायत कार्यपालक अभियंता से की तो उन्होंने भविष्य में घटिया सामग्री नहीं लगने की बात कही। निर्धारित छड़ है, उसे अलग कुछ लगाया है, लेकिन संज्ञान में आ जाने के बाद वो आगे से वो फिर नहीं लगाने का उसको निर्देश दिया गया है, कड़े शब्दों में उसको निर्देश दिया गया है, और भविष्य में जो भी हमारा निर्धारित SOR में जो TMT बार है उसी का उपयोग करना है। और हम देख लेते हैं, अपना इंजीनियर को भेज के हम स्वयं भी देख लें कि आगे से इस तरह का भविष्य में किसी तरह का पुनरावृत्ति नहीं होगा और गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा, इसका हम आपको वचन देते हैं। आज भी साइट पर ढेर सारी सरिया रखी हुई है, ये वही सरिया है जिसके बारे में शिकायत की गई है। अब इस सड़क का भविष्य और इस नाले का भविष्य क्या होगा, इस पे एक बड़ा सवाल व प्रश्न चिन्ह खड़ा होना लाजमी है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अपने सहयोगी राहुल और नवाज के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।